कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। तो दोस्तों, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त और एक हद तक मेरे उस्ताद, एक हद तक मेरे शागिर्द हिमांशु लखनऊ वाजपेयी की फरमाइश है कि मैं मजाज लखनवी की ये गजल के कुछ अशआर आपके सामने पेश करूं। तो तरन्नुम में ए शौके नजारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ए जौके तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। अब दिल से, अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं। ऐ फसले बहारा रुखसत हो, हम लुत्फे बहारा भूल गए। सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके। सबके तो गरेबां सी डाले, अपना ही गरेबां भूल गए। अब साहब ये सोच ही रहा था अमर की एक शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कि वो काले लिबास पहने शायरों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में अजीब और गरीब जबान में कहने लगा, क्या दिनांक 6/5/7 अथवा उसके पूर्व, स्टेशन रोड रायपुर या केंद्रीय जेल रायपुर या केंद्रीय जेल बिलासपुर या कटोरा तालाब रायपुर या होटल महेंद्र रायपुर या होटल गीतांजलि बिलासपुर में अभियुक्त गण ने नक्सली एवं आतंकी गतिविधियों की विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सीडी, कंप्यूटर, कैसेट, लैपटॉप, सीपीयू इत्यादि एवं लेखों एवं अन्य दुष्प्रण सामग्रियों द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध किया या युद्ध करने का प्रयत्न किया या युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया। भारत सरकार के खिलाफ साधनों एवं संकेतों द्वारा, अप्रीति या अवमान या घृणा प्रदीप्त करने का प्रयत्न किया या घृणा प्रदीप्त करके राजद्रोह का आपराधिक षड्यंत्र कारित किया या विधि विरुद्ध संगठन के खिलाफ प्रयोजन किया या फिर प्रयोजन करने का प्रयत्न किया या उसका अभिदाय प्राप्त करने की कोशिश की या अभिदाय प्राप्त करने के लिए याचना दी या अभिदाय प्रदान किया या कुछ भी किया। तो एक बार हुआ यूं कि एक अम्मा अपने लड़के को लेकर एक पीर साहब के खानकाह के बाहर पहुंची और उससे बोली कि ये शेख साहब जो अंदर बैठे हैं
ये महबूबे इलाही हैं, अल्लाह के महबूब हैं ये, बहुत पहुंचे हुए हैं। और हाजरीन, वो लड़का जो अभी भी बच्चा था ये जानता था और मार्केट में घूम रहे बहुत फ्रॉड बाबाओं को देख चुका था। बोला कि अंदर जो बैठे अगर वो इतने ही पहुंचे हुए हैं ना, मैं अपने दिल में एक शेर कहूंगा, उन तक पहुंच जाना चाहिए, तो पहुंचे हुए। तो लड़का शेर कहता है कि तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ए शाह तूने दी क्या मुझको आवाज है। ये कह रहा था कि पीर साहब की खानकाह से उनका खादिम दौड़ा दौड़ा आया और आखिर इस लड़के से पूछता कि आप तुर्क हैं। लड़का बोला जी हाँ, क्यों क्या हुआ। बोला पीर साहब ने आपके दिल की बात सुन ली है, जवाब भेजा है। बोले क्या जवाब भेजा है। बोले कहते हैं कि जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, नादा है वो इस दर से जिसे ऐतराज है। ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, ये सात, सात कदम के अंदर एक भागते हुए हिरण को पकड़ लेता था। कितने कदम में? सात कदम में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और हिरण को पकड़ के उसके गले में घंटी बांध देता था। अब ये लोग देख रहे हैं, अरे ये आदमी कर क्या रहा है? हैं? दो मिनट के अंदर उसने 108 हिरण के गले में कितने 108 घंटी बांध दी। अब इन्होंने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो? आदाब। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से ये कहते हैं कि भाई फुला शहर में दास्तान गोई का शो था, तो हमसे ये कहा जाता है कि भाई पहले बताया होता तो हम भी आते। तो ये वीडियो बनाया जा रहा है कि पहले ये बताया जा सके कि 31 मार्च को बेंगलोर में दास्ताने अवारगी यानी कि मजाज की जिंदगी और शायरी, मजाज लखनवी की जिंदगी और शायरी पर मुनसिर जो दास्तान है वो आ रहे हैं हम लोग लेकर बेंगलोर में, तो आप लोग आए, तशरीफ लाएं और सुने। जी, प्रीमियर शो है दास्ताने अवारगी का 5:30 बजे 31 मार्च को शून्य में, शून्य लालबाग में। बाकी टिकट की डिटेल्स हम लोगों ने स्टेटस में लिंक में छोड़ दिया, जल्दी से खरीद के आप लोग पहुंच जाइए। और ये दास्तान जो है इसमें हुस्न भी है और इंकलाब भी है, इश्क भी है, शराब भी है, दिल शिकनी भी है, इस्तराब भी है और आवारागर्दी तो है ही और शायरी भी तो है। एक शायरी भी है, तो शेर मजाज का ये मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि बई रिंदी मजाज एक शायर मजदूर दहका है, अगर शहरों में वो बदनाम है बदनाम रहने दे। साधन की खाल तपती मन भाई है, रगा की खाल को तो ओढ़त है जो भी मेरी खाल थोड़ा पानी भरला कामरों की खाल को तो बाधत सिपाही लोग गैड़ा की तो खाल राजा रावण मन भाई है कहा तो कभी भान राम राम के भजन में मानस की देह कोई ये जो लुट पिट के आया है साथ में कुछ नहीं लाया है, दरिया पानी चीर चार तूने कर दिया बड़ा कमाल, और धरती फाड़ पंजाब दी हमें दे दिया एक रुमाल, किस करके इस करके के चाहे मत्थे पीटे चाहे मर खप जाए, किस करके इस करके के आजादी खून चाहती है तभी वो रंग लाती है, और तेरे चेहरे का कमाल बल्ले बल्ले जवाहर लाल अब अर्ज करे हम मिलकर लाखों हाल बिहार, संभालो देश अपना संभालो फौज अपनी संभालो मोहर अपनी संभालो मुल्क अपना के बल्ले बल्ले जवाहरलाल तूने कर दिया बड़ा कमाल के बल्ले बल्ले जवाहरलाल। दूसरी एक इनकी गजल है, उसके भी चंद शायर। तस्कीने दिले महजू न हुई वो सही करम फरमा भी गए, इस सही करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पा भी गए, इस सही करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पा भी गए, ये रंगे बहारे आलम है
क्यों फिक्र हो तुझको ऐसा कि महफिल तो तेरी सुनी ना हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। रूदा दे हमें उल्फत उनसे, हम क्या कहते क्यों कर कहते। रूदा दे हमें उल्फत उनसे, हम क्या कहते क्यों कर कहते। एक हर्फ ना निकला होठों से, और आँख में आंसू आ भी गए। एक हर्फ ना निकला होठों से, और आँख में आंसू आ भी गए। ये रंगे बहारे आलम है, ये रंगे बहारे आलम है। इस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे। हम पी भी गए छलका भी गए, हम पी भी गए छलका भी गए। सत श्री अकाल हाजरीन, यही सत जो शब्द है इसी से सत्य निकला है। सत यानी वो जो है, और सत्य का मतलब हुआ होना या फिर उसका होना, क्योंकि उसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं। और इसलिए सत्य परमात्मा के लिए सही नाम है। इट्स मोर करेक्ट टू से दैट ट्रूथ इज गॉड देन टू से दैट गॉड इज ट्रूथ। और सत्य की इस तलाश में तपश्चर्या करनी होगी, दुख सहना होगा, हो सकता है मरना भी पड़े, क्योंकि सत्य की ये तलाश ही तो भक्ति है। और सत्य यानी वो जो है उसका ना होना कोई नहीं जानता। तो ये शरीर इस दुनिया में आने से पहले भी नहीं था, खत्म होने के बाद भी नहीं रहेगा, और अब भी हर पल ये घिस रहा है, बदल रहा है, इसका अभाव हो रहा है। ये शरीर असत है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो ये शरीर हमेशा रहेगा। हम मरने से डरते हैं, जो मर गए उनके लिए रोते हैं, जबकि महाभारत में कहा गया कि गुजरे हुए के लिए मातम करने से उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है। तो गांधी कहते हैं कि जिस तरह शरीर के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है। गांधी कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना तो आत्मा की पुकार है, अपने आप को और पाक और शुद्ध करने के लिए। प्रार्थना रोजाना अपनी कमियों अपनी खामियों को कबूल करना है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। मौत उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भी नहीं। जब पलभर में हम ही मिट्टी हो जाएंगे तो हमारे मंसूबों के क्या मायने हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम उसके मंसूबों पे काम कर रहे हैं, तो हम मिट्टी से सुमेरु पर्वत बन जाएंगे। और सिर्फ उस हालत में मौत बस एक बदलाव बनकर रह जाती है। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाया
को भस्म तन पर लगाता जा, जला कर खुद माई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर शौक लगा और क्या सुनाया जाए।